ये वो विर्द है जिसे आम लोग आम तौर पर लोग फकत इसलिए समझते हैं कि यह शैतान के खिलाफ हथियार है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम। सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब से अर्ज करूंगा, जिसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम नहीं आता वो हाथ उठाएगा। इफ यू डोंट नो दिस वर्ड्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम बाय हार्ट, रेज योर हैंड्स। सो एवरीवन नोज इट, या एवरीवन नोज इट, एवरीवन नोज दिस, माशाल्लाह। Now those of you who know this word by heart, la ilaha la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim, raise your hands if you know it. Agar aata hai sabko aata hai. Aaj is mehfil mein hum ye irada karte hain ki la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim, is word ko hum hamesha padhenge. Ek bahut bada wird hai, bahut bada wazifa hai. Suniye mere aqa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne kya irshad farmaya is word ke bare mein. Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu se marwi hai, फरमाया कि जिसे गम और अफकार घेर लें उसे चाहिए कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़े। जिसे गम और अफकार घेर लें उसे चाहिए कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ता रहे। ये ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का विर्द इंसान को गमों से आजाद कर देता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में मरवी है कि यह ऐसा विर्द है, यह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, जो इससे प्यार करेगा वो जन्नत में जाएगा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ने की आदत बना ली। तिर्मिजी में मजकूर है कि ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये क्या है? जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। और एक रिवायत में है कि ला हौल वला कुव्वत के साथ हर बार एक फरिश्ता उतरता है। जब भी आप पढ़ते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हर मर्तबा एक फरिश्ता आसमान से उतरता है। और ये फरिश्ता क्यों उतरता है? बीमारों को शिफा देता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब भी आप पढ़ेंगे आपको सेहत देने के लिए, सेहतमंदी के लिए अल्लाह आसमान से एक फरिश्ता नाजिल कर देता है। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस अजीम विर्द की फजीलत है। आज की नशिस्त में ये विर्द आप लिख लें, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इल अली अज़ीम, लिखने की जरूरत ही नहीं, ये दिलों में लिखा हुआ है, दिलों में लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन वो शैतान लईन पढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो इंसान के दिलों में और इंसान की रगों में यूं दौड़ रहा है जिस तरह खून दौड़ रहा है। हम इसकी अहमियत को जानते नहीं, शैतान इसके बारे में गौर करने ही नहीं देता। वो जानता है ये असलहा है, ये एमिनिशन है, शैतान को बर्बाद कर देता है। तो मोहतरमा भाई इरादा कर लें, ये विर्द हम पढ़ेंगे। फरमाया ये वो दुआ है जिससे 70 बलाओं से अफियत मिलती है। ये वो विर्द है जो ये विर्द पढ़ता रहता है 70 बलाओं से अफियत हासिल करता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जाहिल बाबुओं और जाहिल पीरों और जाहिल आमलों के विर्द पढ़ने वालों, आका के विर्द भी पढ़ा करो। जो विर्द मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए हैं वो विर्द पढ़ा करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियिल अज़ीम 10 मर्तबा पढ़ेगा, वो गुनाहों से ऐसा पाक और साफ हो जाता है जैसा कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। ये विर्द है। क्या पढ़ेगा? बिस्मिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियिल अज़ीम 10 मर्तबा जो पढ़ेगा, दुनिया की 70 बलाओं से महफूज हो जाता है, दुनिया की 70 बलाओं से महफूज हो जाता है। इमाम तिर्मिजी ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, इसलिए कि यह जन्नत का खजाना है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। क्यों? क्योंकि यह जन्नत का खजाना।